अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में दूषित पानी को लेकर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि गंदे पानी के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने नजर आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी अब गंदे पानी को लेकर 11 बजे जल बोर्ड मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी। दूषित पानी को लेकर कह सकते हैं कि राजनीति गरमाती जा रही है। अब तक सिर्फ प्रदूषण का मुद्दा था बीजेपी के पास और अब गंदे पानी का भी मुद्दा यहां पर बीजेपी के पास जुड़ चुका है। तमाम जानकारियों के साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता विश्वजीत झा। विश्वजीत, अभी तक सिर्फ प्रदूषण था, अब गंदा पानी, कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को? जी बिल्कुल, जब से ये मुद्दा मिला है विपक्ष इसे किसी भी तरह से कमजोर करना नहीं चाह रही है और आज फिर से बीजेपी जल बोर्ड का मुख्यालय जो वरुणालय है करोल बाग के पास जन्नेवालान में वहाँ उसका घेराव करने बीजेपी के तमाम लोग पहुंच रहे हैं। कल भी 50 जगहों पर बीजेपी के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया था और उससे एक दिन पहले दिल्ली में 400 जगहों पर बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया था। तो चुनाव के पहले चूंकि ये रिपोर्ट आई है और पानी दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा रहा है आम आदमी पार्टी सरकार के लिए, सरकार बार बार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में रही है कि दिल्ली वालों को उनकी सरकार आने के बाद फ्री में पानी दिया जा रहा है, गली गली में कॉलोनियों में पानी की लाइन डाली जा रही है। लेकिन जब बीआईएस की रिपोर्ट आई तो उसमें ये कहा गया कि जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वो पीने के योग्य नहीं है। तो जब ये मुद्दा सामने आया है तो कहीं ना कहीं हालांकि दिल्ली सरकार ये लगातार आरोप लगा रही कि ये केंद्र सरकार कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर ये रिपोर्ट जारी की गई है। आम आदमी पार्टी के नेता सीधे सीधे बीजेपी शासित केंद्र सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जनता से जुड़ा मसला है। दिल्ली में अभी अभी प्रदूषण का मसला था जो काफी जोर शोर से था, अब हवा के साथ साथ पानी भी दूषित है, ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है और इसी को लेकर बीजेपी लगातार सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से ये अभी जांच का विषय है क्योंकि जल बोर्ड लगातार ये दावा कर रहा है कि जो प्लांट से पानी की सप्लाई की जा रही है वो साफ है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ा मसला है, आम लोगों के भरोसे से जुड़ा मसला है क्योंकि पानी घर घर जा रहा है। अगर लोग जल बोर्ड का पानी पीना छोड़ देंगे या नहीं पिएंगे तो फिर वो एक और दूसरी चुनौती खड़ी हो सकती है। तो सरकार की कोशिश है कि इन चीजों को पटरी पर लाया जाए, भरोसा फिर से कायम किया जाए, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इस मुद्दे को गरमाने में जुटी है। जी विश्वजीत, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक दिल्ली का पानी सबसे ज्यादा दूषित है। ऐसे में केजरीवाल सरकार साफ तौर पर इस रिपोर्ट को नकार रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित रिपोर्ट है। क्या लगता है कि बीजेपी के लिए भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है? देखिए, ये भी मुद्दा निश्चित रूप से है क्योंकि सरकार और जल बोर्ड दोनों की ओर से कहा जा रहा है कि रेगुलरली जल बोर्ड इसका सैंपल पानी के अलग अलग इलाकों से सैंपल लेकर उसकी जांच करता है और फिर जो उसके आधार पर जो करीब एक साल में बताया गया करीब कई लाख सैंपल लिए गए और उसमें कुछ हजार सैंपल जो है वो फेल हुए। तो सरकार जल बोर्ड का कहना है कि ये मामूली है और 11 सैंपल से पूरी दिल्ली के पानी का आकलन नहीं किया सकता और ये भी नहीं कह सकता कि पूरा पानी जहरीला है। लेकिन जिन 11 जगहों से पानी लिया गया है वो काफी मायने रखता है क्योंकि उसमें बुराड़ी का इलाका है, इसके अलावा सोनिया विहार का इलाका है, गोकलपुरी का इलाका है, खुद जो केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान है उनके घर जनपद का वहां का सैंपल लिया गया है, कृषि भवन में जहां उनका दफ्तर है वहां का सैंपल लिया गया है। तो ये जो चीजें बताई गई हैं उसमें अब सरकार भी जल बोर्ड भी कहीं ना कहीं पिछले कह सकते दबी जुबान में ये मान रहा है कि बुराड़ी जैसे इलाकों में या जो कॉलोनी जैसे इलाके हैं वहां पर पाइपलाइन में कंटेमिनेशन हो सकता है। तो इसी चीज को बीजेपी अब साबित करने में जुटी है कि जो पाइपलाइन की सप्लाई है, जो सर्विस जल बोर्ड के द्वारा दी जा रही है वो दुरुस्त नहीं है और इसलिए बीजेपी हर हाल में उसे घेर रही है कि और चूंकि चुनाव के पहले ये बड़ा मुद्दा मिला है प्रदूषण के बाद तो इस मुद्दे को भी जनता के बीच ले जाना चाह रहे हैं कि आपको फ्री में पानी तो दिया जा रहा है लेकिन वो पीने के योग्य नहीं है और कई इलाकों में जो पानी दी जा रही है वहां पर बोरवेल का पानी भी जल बोर्ड मिक्स करके भेज रहा है। हालांकि ये जल बोर्ड की ओर से दावा किया जा रहा है कि जो बीआईएस के मानक है उसमें कई मानकों को उसमें फॉलो किया जा रहा है, मिक्स करने में भी उन चीजों को दिया जा रहा है लेकिन इस बात से भी वो इनकार नहीं कर रहे हैं कि वो पानी कंटेमिनेटेड नहीं हो सकता है और खास तौर से जो कॉलोनियों में पाइपलाइन गई है वहां पर संभावना काफी ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि ये बड़ा मुद्दा है इसलिए राजनीति इस पर काफी तेज है और सरकार भी बिल्कुल इसे राजनीतिक मोड़ देकर ही
कि चूंकि बीजेपी केंद्र में है और बीजेपी कहने की राजनीति से प्रेरित होकर रिपोर्ट जारी कर रही है, तो सरकार ये संदेश जनता के बीच पहुंचा रही है और केंद्र सरकार की तरफ से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि पानी वाकई पीने के योग्य नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा पर विश्वजीत, आपने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक है ऐसे में कहीं ना कहीं सियासत पानी को लेकर तेज होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए।